प्रभात में सोते हैं उनका सर पर शंकर जी अपना भूत पिशाच बैठ जाते, फिर दिन भर उसको बुद्धि जैसे कैसे भटकते हुए रहता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले हमें जग जानी चाहिए। महाप्रभु क्या करते, जग करके भक्तों को लेकर कीर्तन गली गलियों में कीर्तन करते थे। बोले क्यों, बोले सवेरे सवेरे सबको कान में जब ठाकुर का नाम पड़ेगा उनका भी कल्याण होगा, उनका मंगल होगा, इसलिए भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। इसमें कहते हैं, एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना के एबे ना भजिले जसुदा सुत चरम में पड़िवला जी। देखो इसमें बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो मानव शरीर हमें मिला है, कहते ये 184 भ्रम के नरतन दे, मतलब 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर जी हमें ये मानव शरीर दिया। अगर इतने दुर्लभ शरीर तो दिया, कहते अगर इसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर ठाकुर दोबारा जीवन ही नहीं देंगे, फिर तो पेड़ पौधा जानवर जीवन में भटकना पड़ेगा। लेकिन जैसे पेड़ खड़े हैं, किससे पानी नहीं मांग सकता है, किसी जानवर जीवन में जाओ जिंदा जिंदा काट कर खा लेते हैं, लेकिन जैसे ये पेड़ खड़ा हुआ है, लेकिन ये चाहने पर भी उसको और मानव जन्म ठाकुर नहीं मिल सकता है। क्यों, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये जीवन देते हैं, 84 लाख के बाद में। अगर यहाँ पर कहते अगर इस जीवन में प्रभु का भजन कर लिया ना, क्या होगा, तुम्हारी जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए मीट जाएगी, फिर तो प्रभु के पास में आनंद आनंदमय धाम में उसको जरूरत नहीं सुमत लगा यार। इसलिए उसको इसलिए फिर तो ठाकुर जी के पास में ही चली जाओगे, जन्म मृत्यु दुख कष्ट। इसलिए कहते हैं, इसलिए भैया प्राण जीवन रहते रहते क्या करो, भगवान के भजन को कर लो। चला मत आवाज आ रही, बंद कर दो। इसलिए कहते ये जीवन रहते रहते क्या करो, भगवान के भजन को तुम कर लो है, जीवन को जितने जल्दी हो, बोले त्रुणाम त्रुणाम मतलब जितने जल्दी भजन कर लो। कोई कहते ना, अरे अभी क्या भजन करेंगे, अभी थोड़ी मर रहे हैं, अभी तो बहुत समय तक जिंदा रहेंगे। अभी कोरोना में देखे ना कितने लोग गए, कितने उम्र के सब बच्चे गए हैं, कितने कितने कम उम्र के गए। कहते ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं, हमने जो निश्वास छोड़ा है दोबारा भी ले पाएंगे, कोई बोल सकता है दोबारा निश्वास ले पाते नहीं सकते। कोई कोई बैठे बैठे करके हार्ट अटैक खत्म वहीं पर ही खत्म हो जाते। इसलिए कहते कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। इसलिए जितने जल्दी पारो भगवान के भजन में लग जाओ, जो दूसरे जो काम हो तो होता रहेगा, वो तो होता रहेगा, लेकिन प्रभु का भजन और किसी जीवन में नहीं होने वाले। इसलिए कहते भैया जितने जल्दी पार भगवान के भजन में लग जानी चाहिए। उसको बाद में कहते हैं, कहते उदित तपन हैले अस्त दीन गेला वाली हाई व्यवस्था। देखो ये चीज को समझो, जैसे सूरज उदय हुए पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं ना पश्चिम दिशा में, हम क्या कहते भैया दिन गेला, दिन चला गया, बोलते ना दिन चला गया। बोले दिन चला गया मतलब क्या, दिन क्या दोबारा आएगा वापस, फिर वो नहीं आएगा है कि दोबारा जीवन, फिर जीवन में फिर जीवन नहीं आएगा दोबारा। बड़े भाग्य से ये जीवन ठाकुर जी, बड़े भाग्य से ठाकुर जी दिया है, फिर दिन नहीं आएगा, आएगा फिर दिन। जैसे अंबानी, अगर डॉक्टर बोल दे भैया इसकी अंतिम श्वास है, लेकिन अगर कोई अंबानी के परिवार बोले तुमको 4 कोहिनूर हीरे देते हैं, इसकी 4 श्वास को वापस ले आओ, वापस ला सकते हैं नहीं। इसलिए कहते मानव शरीर का जो एक एक जो श्वास है ना, इसका अनमोल है, अनमोल है। क्यों, कहते इसी जीवन में ही प्रभु का भजन कर सकते हैं और किसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं होगा। इसलिए अनमोल जीवन है, है? इसलिए कहते उदित तपन हैले अस्त दीन गेला वाली हाई व्यवस्था। जो सूर्य अस्त हो जाते हम कहते भैया दीन चला गया है, जब दीन चला गया कहते एब तबे कना एबे अलस हई ना भज हृदय राजे, फिर प्रभु का भजन क्यों नहीं कर लेते हो, क्योंकि जीवन तो नहीं ठाकुर बार बार देंगे। ये मुक्ति का दरवाजा पर हम पहुंचे हुए, मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हैं, फिर जल्दी जल्दी भजन क्यों नहीं कर लेते हो, संत कह रहे हैं। हाँ देखो ध्यान देख रहे, छोटी सी कथा सुनो अच्छे तरह से, सामने आकर बैठो, छोटी सी कथा सुन लो। कहते एक बहुत बड़ा जमींदार था, हैं बहुत बड़ा जमींदार, वृंदावन कभी जाओगे ना वो मंदिर आपको दिखाएंगे। वो मंदिर का नाम उसको तो सेठ का नाम था लाला बाबू, क्या नाम था लाला बाबू, बहुत बड़े सेठ जमींदार,
हैं, जिनकी कितने प्रॉपर्टी, बड़े बड़े जमींदार होते। लेकिन पहले क्या होता था, सब गीता भागवत रामायण पढ़ते थे, इसलिए पढ़ने का वजह से सबको ये शास्त्र में ज्ञान होता था। भगवान 84 लाख जीवन को बाद में दिए, बारंबार जीवन ठाकुर नहीं देते हैं, ये जीवन किस लिए दिए, प्रभु की भजन करने के लिए। इसलिए जितने पार जल्दी पार प्रभु का भजन करके संसार से पार हो जाओ। गीता रामायण में तो यही समझाते हैं ना, भगवान कहते बड़े भाग्य से जीवन मिला, बारंबार जीवन नहीं देते, देवता के लिए भी दुर्लभ है। एक दिन क्या हुआ, एक फेरी वाला, पहले तो ऐसे होता ना, फेरी वाला सर पर सामान लेकर गांव गांव में घूमता था, हैं देखे होंगे गांव गांव में, अभी भी फेरी वाला आते हैं गांव में घूमने के लिए। उन्होंने कुछ लाला बाबू कुछ सामान दे कर गए थे, बोले देखो बाबू मैं जब वापस आऊँगा ना पैसा ले जाऊँगा, अभी आप पैसा रखो वापस। जब उन्होंने वापस जा रहे थे, वो लाला बाबू छत के ऊपर खड़े थे, जब छत ऊपर खड़े थे उसी समय में सूरज अस्त हो रहा था, सूरज अस्त हो रहा था। इतने में वो जो फेरी वाला बोले, बोले लाला बाबू ये बंगला में, लाला बाबू बेला गेलो, मतलब ये जो समय है ना ये सूरज डूबते जा रहा है, बेला गेलो, बोले समय तुम्हारे चला गया, इसलिए हमें बड़े दूर जाना, अपना गांव में जाना, बड़े जल्दी पैसा दो, अब देर मत करो, जल्दी हमें पैसा दो। उन्होंने तो ये बात को बताई, लेकिन उसको उन्होंने आध्यात्मिक रूप में लिया, बोले तो बात सही कह रहा है, जीवन तो चला ही गया, सूरज डूबने जा रहा था, छत पर खड़े हुए, बोले जीवन रूपी सूरज तो डूबने जा रहा है, भजन नहीं किया जिंदगी भर, तो प्रभु का भजन ही नहीं किया, ये सूरज जीवन का सूरज तो डूबते जा रहे हैं, और जाना कहते बड़े दूर, मतलब इसी जीवन में ही हमें भगवान तक पहुँचना, और भगवान का जो धाम बड़े दूर है, हैं बड़े दूर है, इसलिए लाला बाबू जल्दी पैसा दो घर में जाऊंगा। बस जब उन्होंने ये बात को सुने ना, उसका हृदय में ऐसे धक्का लगा, बोले ये सही आदमी सही कह रहे, ये जीवन का सूरज डूबते जा रहा है, समय और है नहीं, मैं क्योंकि जमींदारी करते करते जीवन बीत गया, प्रभु की भजन नहीं कर पाए, बोले बच्चा कुचा हुआ जितने जीवन है ना, और नष्ट नहीं करनी चाहिए, सब छोड़कर भजन के लिए चले जाए, भजन के लिए चले जाए। वो छत से ऊपर करके मेन रोड में खड़ा हुआ, वृंदावन और नहीं रहेगा, क्योंकि देखो 50 के बाद में जो अंक आता है ना, एका बन बा बन चौ बन, मतलब बन बन और घर में मत रहा करो, 50 साल तक घर गृहस्थी उसके बाद में, इसलिए अंक भी यही आता है एका बन। भागवत कहता है 50 ऊर्ध्व बनम ब्रज, 50 साल के बाद में जान बुझ करके संसार में टांग अड़ा करके मत रहा करो, बस अपना आध्यात्मिक मार्ग में चलो, अपने भक्ति मार्ग में चलो, लाइट में चलो बजो, इसलिए हमें भक्ति मार्ग तरफ में हमें जानी चाहिए। अभी उसने छत पर खड़ा था, उतर कर आ गया मेन रोड में खड़ा हुआ, फिर सोच रहा है इतने जमींदारी किसको पास में, कुछ पैसा दिया उसको पास में पैसा, उसको बच्चे हैं पता नहीं अभी बच्चे लोग ठीक से देखभाल कर पाएंगे कि नहीं, उसको पास में इतना पैसा वो देगा कि नहीं, जमींदारी है बहुत बड़ी जमींदार, सोच रहे हैं अभी थोड़ा बाकी काम तो बाकी है, अभी कैसे छोड़ करके वृंदावन चले जाओ भजने के लिए, और कुछ दिन रह करके हैं, रह करके बच्चों को ठीक ठाक होनहार बना करके सारे काम को निपटा करके जाओ। फिर सोच रहे हैं भैया काम को भी निपटता है जीवन में, खुद निपट जाओ, लेकिन काम कभी नहीं निपटता है, काम कभी किसी काम तक निपटा है, देना 100 साल का हो गए 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठा होगा, यही से करना वो फैक्ट्री बनना, ये गाड़ी बनाना, ये बिजनेस बनाना, ये करना, 100 साल हो गया लेकिन 200 साल का प्लानिंग बैठ कर बना कर बैठे हुए, बोले भैया जीवन में तो काम कभी निपटता नहीं। अभी सोच रहा है अभी वृंदावन में चले जाओ ना कुछ काम करके जाओ, मेन रोड में खड़े होकर सोच रहे हैं। इतने में एक जमादार जो रास्ता साफ करता है वो बीच में एक सोच रहे हैं अभी जाओ ना बाद में जाओ, लेकिन जमादारिणी बोले बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, झाड़ू लगाता ना रास्ता में झाड़ू, बीच में खड़े हुए तो सोच रहे क्या करूं, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, बोले तो सही कर रहा है ये तो सही कर रहा है, एक तरफ हो जाओ, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ संसार का सारे काम निपटा करके जाओ ना अभी चले जाओ, ये तो सही कह रहा है, बोले एक तरफ हो जाओ, रहना तो घर में जाओ नहीं तो वृंदावन में जाओ, बोले ये सही कह रहा है एक तरफ हो जानी चाहिए। हे बस वहीं से वृंदावन चले गए, उन्हें वृंदावन चले गए भजन करने के लिए। जब वृंदावन भजन के लिए गए, अब वृंदावन में जैसे घर घर में रोटी मांग करके भजन करते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया था, पैसा तक जो जमींदार होता है ना पैसा कमाना उनका आता है, कहते आकाश में पैसा उड़ रही है,
लेकिन ये पकड़ने वाले होनी चाहिए। पैसा तो तारी तरफ बहे लेकिन जो दिमाग है ना वो पैसा को पकड़ लेता है, दिमाग होनी चाहिए। इसलिए उसने पैसा तो कमाना आता था, बोले अभी तक तो मैंने संसार के लिए पैसा कमाया, अभी मैं ठाकुर जी के लिए थोड़ा पैसा कमाऊं। इसलिए वृंदावन में गए और उनने वृंदावन में बड़े सुंदर ठाकुर जी एकदम पत्थर में बनी हुई बड़े सुंदर ठाकुर जी को उन्होंने मंदिर बनाया। अभी भी वो मंदिर अभी है, बड़े सुंदर मंदिर है लाला बाबू का, बड़े सुंदर बाग है, बड़े सुंदर मंदिर है, मंदिर बनाया। लेकिन जब मंदिर बनाया उतर तक जमींदार थे वो, एक दिन का लाभ था लाला बाबू और एक जमींदार थे हैं, और भी एक जमींदार थे। अब देखना जमींदार जमींदार में लड़ाई होता है, इसका पास में इतने प्रॉपर्टी, उसके पास में इतना प्रॉपर्टी है, इसलिए इसके पास में प्रॉपर्टी और एक जमींदार थे जिनका अंदर बड़ी दूर समय तक ये मामला मकदमा चला था। लेकिन इन्होंने जब छोड़ कर गए भजन कर रहे थे, जो वहां पर जो और एक जो सेठ थे, अब कभी वृंदावन गए जानना था, रंगाजी मंदिर देखे हो, रंगाजी मंदिर विशाल मंदिर, रंगाजी मंदिर है भगवान नारायण का मंदिर, उसका वो था मालिक, उसने भी मंदिर बनाया, बड़े सुंदर मंदिर बनाया, ये भी मंदिर बनाया। अभी ये तो संत बनकर गए भजन करने के लिए, वहां पर कैसे भोजन करते थे, ये तो छोड़ दिया ना घर बार। लेकिन अभी वो घर में रहता था, जो घर में रहता था रोज संतों को अपना हाथों से हैं रोटी सब्जी खड़े होकर के, जो संत लोग भजन करने के लिए आते थे उनको सवेरे सवेरे रोटी सब्जी सारे संतों को देता था। संत लोग बैठ कर भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, इसलिए उस सारे संतों को देता था। लेकिन ये तो घर बार छोड़ कर गए, लेकिन अभी घर में है, लेकिन इसको याद है घर में रहते हुए इसको साथ में हमारी मामला मकदमा चला है, अभी भी उसकी मन में, इसलिए वो वहां नहीं जाता है, वो नहीं जाता है। लेकिन जब कोई वृंदावन में सब छोड़कर भजन के लिए आए ना, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपाल, राधा रानी मदद करती हैं। जब तक सिर्फ राधा जी की कृपा नहीं होना वृंदावन में कोई भजन नहीं कर सकते, उनकी कृपा से कर सकते हैं। अभी राधा रानी छोटी लाली बन करके आई, लाली बोले बाबा बाबा तू तो भजन करने के लिए आए हो, अभी भी तेरे मन में ईर्षा द्वेष छल कपट है, अभी तुम्हारी पूर्व बात को याद रखे हो हैं, उसको साथ में लड़ाई हुआ था, हम उसका नाम जगत सेठ है, बोले उसके पास में हम क्यों माधुकरी मांगने जाए, रोटी सब्जी लेने के लिए क्यों जाए, उसको क्यों उसके साथ मामला मकदमा चला, अभी भी तुम्हारी हृदय में द्वेष ईर्षा है, ऐसे भाव लेकर वृंदावन में भजन नहीं कर सकता हो, भजन करना तो इस सब चीज को त्याग दो। राधा रानी छोटी कले भी तो सही बोल रहे, मैं तो भजन के लिए आया, अभी भी मेरे हृदय में द्वेष ईर्षा है तो भजन तो कर ही नहीं सकते। फिर वो गया जाकर के लाला बाबू रोटी सब्जी देते थे, ये भी जिस लाइन में सब साधारण जो संत लोग खड़े थे ये भी जाकर खड़े हुए, जाकर के जब उनसे उन्होंने माधु कर लिया सब्जी और रोटी लिया, उन्होंने देखा अरे लाला बाबू उनको पता है ना बड़ी जमींदार, अरे ये भी जमींदार वो भी जमींदार, लेकिन वो हमारे पास में रोटी और सब्जी लेने के लिए आया माधु कर लेने के लिए। जब उन्होंने देखा ना फिर तो दोनों दोनों को आलिंगन किया, दोनों दोनों को आलिंगन किया, हृदय में जितने उनका प्रदेश भावना था ना प्रॉपर्टी लेकर के द्वेष था ना सब निकाल दिया हृदय में, मतलब भूल गए सबके सब, भैया जो कुछ हो गया है, अभी तो हम भजन करने के लिए भक्ति करने के लिए आए, सारे पूर्व इतिहास को भूल जाओ, बस भजन करो। हृदय से उन्होंने सारी गंदगी को निकाल दिया, निकल करके बस फिर उनको हृदय में उनका प्रति जो द्वेष ईर्षा खत्म हो गई, फिर शुद्ध रूप में भजन किया। जब भजन किया अभी लाला बाबू क्या उनको जब आए तो बहुत बड़े जमींदार थे, उनको शरीर में एक कंबल था, बड़ी जो कीमती कंबल है उस समय का, बड़े कीमती कंबल है, लेकिन उसको ओढ़ करके वो जाते थे माधुकरी लेने के लिए। फिर राधा रानी फिर आई बालिका बनकर बोले बाबा बाबा तुम तो भीख मांगने के लिए जाते हो, लेकिन इतने कीमती कंबल तुम पहन करके जाओगे इस शोभा नहीं देता है, तुमने इतने बड़े राजपाट छोड़ करके आया, अभी इसकी आसक्ति तुमने छोड़ नहीं पाया है, हैं? फिर बाबा ऐसे भजन नहीं कर सकते हो। जो बोले भली तो लाली सही कह रही है, फिर उन्होंने इतने जो कीमती कंबल को त्याग दिया, साधारण जैसे संतों का वेश होता है वेश धारण करते हुए भगवान की उन्होंने भजन किया। इसलिए अगर कोई निष्कपट होकर के वृंदावन में भजन करने के लिए आई ना, राधा रानी उनको मदद करती है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बगैर कोई भजन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये भजन में भक्त मनोहर ठाकुर यही कह रहे हैं, बोले एमन दुर्लभ उदित तपन हैले अस्त तीन गेल बलि हैव व्यस्त। जब सूरज अस्त हो जाता है कहते भैया दिन गेला,
बोले दिन तो तुम्हारे चला गया, फिर तो दोबारा आएगा नहीं, फिर आलस होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इसी जीवन में तो भजन होगा, और किसी जीवन में भजन नहीं कर सकते हो, है? इसलिए भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। श्री भगवान राम समझा रहे, बोले दे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है? बोले साधन धाम, मतलब इसी शरीर से ही तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। इसी जीवन के सिवाय 84 लाख जीवन में कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। किसी जानवर, पेड़ पौधा, कीड़े मकड़ को बोले राम राम, कृष्ण कृष्ण बोल, कथा सुना, कर सकता है? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ये 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम खड़े हुए हो। अगर ये जीवन पा करके भजन नहीं किया, फिर भगवान तुम्हें दोबारा जीवन देने वाले नहीं। बोले क्या किया जीवन पाकर बताओ? जो काम के लिए किया तो किया ही नहीं तुमने, वही खाए पिए, दो चार बच्चे देकर मर गए, और क्या किया जीवन में? जाओ वही पशु पक्षी जीवन में भटकते रहो। इसलिए ये भजन में कहते हैं भैया जितने जल्दी पार क्या करो, भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति में हमें लग जानी चाहिए। इसलिए उसके बाद में क्या बोलते हैं? कृष्ण नाम। हाँ देखो, कृष्ण नाम सोधा करिया पा जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना के नहीं कर 14 भुवन माजे, जीवर कल्याण साधन काम जगते आसी मधुर नाम, अविद्या तिमिरा तपन रूपे हृद गगने विराजे, उदिलारुणा पुरव भागे दिजमनी गुरा अमनी जागे। देखो इसमें क्या कह रहे, फिर हमें क्या करनी चाहिए, इसको उपाय कहते। बोले देखो कहते जो जीवन अनित्य जान जीवर कल्याण साधन काम जगत आशिय मधुर नाम। अभी भगवान तो हमको देखा नहीं, ठाकुर को तो हमें देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया कलयुग में, कृपा करके उन्होंने अपना नाम रूप में आए हैं, नाम रूप में। कहते ना हर समय प्रभु को याद करो, प्रभु का स्मरण करो, लेकिन स्मरण करके इसे भगवान को देखा नहीं, तुम क्या स्मरण करोगे? लेकिन भगवान कृपा करने के लिए अपना नाम रूप में ही ठाकुर जी कलयुग में आए। जब हम उसको नाम को जप करते ही, कहते नाम जप करना और भगवान से मिलना वो एक ही बात है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, हैं? भगवान से कोई फर्क नहीं। एक दिन नारद जी भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी सब जगह में कहते हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान और इनका नाम में कोई फर्क नहीं, उसका कोई प्रमाण मेरे को दे सकता हो? हम चाहते कोई डायरेक्ट हमें कोई दिखा करके बताओ, नहीं भगवान का नाम और भगवान एक ही है, कोई हमें प्रमाण दे करके दिखाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले भैया मैं क्या बताऊं नाम की महिमा है, मेरे तो चार ही मुख है, चार ही मुंह में तो मैं प्रभु का नाम लेता हूं, लेकिन भैया नाम की महिमा हम नहीं बता सकते। बोले कौन बोलेगा? बोले शंकर जी के पास में जाओ। शंकर जी के पास में गए, शंकर जी को बोले, शंकर जी बोले भैया मैं पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में ठाकुर का नाम जप करते हैं, बोले अभी तक भी प्रभु का नाम की महिमा मैं भी नहीं समझ पाया। बोले भैया किसको पास में जाए? बोले मेरे गुरु को पास में जाओ। शंकर जी का गुरु कौन? अनंत देव है, जो पृथ्वी को सर के ऊपर सरसों जैसे धारण कर करके जो अनंत मुंह में अनंत नाम को ठाकुर को जप करते हैं, हैं? भगवान के गुण। अनंत देव के पास में गए, बोले हमें नाम की महिमा थोड़ा बताओ, नाम और भगवान ने एक ही चीज प्रमाण कर देकर दिखा। बोले भैया मैं तो अनंत काल से अनंत भगवान की नाम की कथा की महिमा गा रहा हूं, अभी तक भी मैंने था नहीं भाई। बोले फिर बोलेगा कौन? बोले एक व्यक्ति के पास में जाओ वही बोलेगा। बोले कौन? बोले धर्मराज। धर्मराज कौन है? जब महाराज है, जो कि जीव का हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वो कर्म के अनुरूप वो फल देते हैं। जैसे जैसे कर्म किया वैसे ही घर मिलेगा आपको, वैसे ही पत्नी मिलेगी, वैसे ही बच्चे मिलेगा, पैसे ही पैसा मिलेगा। क्यों? हमने जैसे कर्म करके आए, कर्म से थोड़ी सी भी देखना इधर उधर नहीं होता है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें सब कुछ वैसा वो नाप करके देते हैं। इसलिए उनका नाम धर्मराज, धर्म में राजा है, मतलब सब चीज को तराज में नाप करके जो देने वाले।
पहले उनके पास में जाओ, वो सही सही धर्म का विचार करते हैं। और जम महाराज के पास में गए, बोले हम बताओ भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, मेरे को डायरेक्ट कोई प्रमाण देकर दिखाओ। अभी जम महाराज का चार दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दरवाजा। कि जो दक्षिणी दरवाजा है, ये कहते हैं जो जो पाप जो पापी पाप कर्म करता है वो 84 नरक है, जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही सजा भोगना पड़ता है। जब उन्होंने दक्षिणी दरवाजा में गए, जो जैसे जैसे कर्म किया था उसको वैसे ही सजा दे रहे हैं, जिसने शराब पिए उल्टा पुलटा मांस मछली खाई जिंदा जिंदा काट रहे, और जिसने तराज में हेर फेर किया जिसने उसको हाथ काट रहे हैं, जिसने इन आंखों से गंदी गंदी पिक्चर देखा उल्टा पुलटा गंदी देखा उसको आंख को निकाल रहे हैं, जिसने दूसरों को पर दूसरों को संपत्ति को हड़पा उसको दंड दे रहे, और वो लोग चिल्ला रहे थे बोले और ये पाप कर्म नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो। बोले करते समय क्या कर रहा था, करते समय तो सोचा ही नहीं तुमने, जब उन्होंने बोल रहे थे इतने में ऊपर में देख रहे थे कोई होता हमें बचाओ कोई बचाओ। इतने में श्री नारद जी गए, जब नारद जी गए और नारद एक संत दर्शन है, और दूसरे जब नारद जी गए ना, नारद देख करके तो इतने उसने देख करके नारद जी तो एकदम हैरान हो गए। इतने में बोले बोले भैया वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो उन्होंने प्रभु का नाम लिया और संत दर्शन हो गया ना, वो जितने नरक में थे सब खाली हो गए, बैकुंठ चले गए हैं। जब बैकुंठ चले गए इतने में जब महाराज बोले देख लिया कि नहीं, भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं देखा कि नहीं, नरक में सब पाप वो कर रहे थे, केवल तुम्हें दर्शन और तुम्हारे मुंह में ठाकुर का नाम निकला। जब नाम निकला, जब पापियों को कान में ठाकुर की नाम पड़ा, सबके सब कुंड खाली हो गया सबके सब हैं। इसलिए यहाँ पर प्रमाण देते हैं भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए। जब हम प्रभु का नाम जप करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, भगवान के साथ में हमारे साक्षात्कार हो रहा है, भगवान के साथ में हमारी साक्षात्कार हो रही है। इसलिए कहते हैं जीवर कल्याण साधन काम जगत आसिये मधुर नाम अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। जैसे सूरज उदय हो गया ना, सब उजाला उजाला हो गया। इसलिए कहते भगवान का नाम ठीक सूरज जैसे, जब किसी जीव का हृदय में ठाकुर जी का नाम उदय हो, हृदय के जो अज्ञान जो अंधकार किया होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ा वो भक्ति विनोद प्राण है, नाम बिना किछु नाही कार चौदह भुवन माच। बोले भैया भगवान के नाम के सिवाय 14 भुवन है और कुछ भी नहीं, जगत में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है भगवान का नाम ही है, है 14 भुवन माजे। इसलिए क्या करो, बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान, क्या करो भगवान का नाम लो। बोले भगवान का नाम कैसे, बोले सुधा, सुधा मतलब अमृत, सुधा मतलब होता है अमृत भगवान का नाम। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडव निवित वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रडो कडमिनि घटयत कर्णा बुधेव स्प्रिया है। बोले जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है, बोले भगवान इसमें कितने रस भर दिया, उसमें कितने आनंद भर लिया, जो कान में प्रवेश करता है लगता है मेरे को दो ही कान क्यों ब्रह्मा दिए, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया। जब जिह्वा पर उदय होता है, बोले शंकर जैसे तांडव नृत्य करते ना, जिह्वा भी एकदम तांडव नृत्य जैसे करना शुरू कर देता है, हृदय में जब प्रवेश करता है लगता है जैसे रस की धारा बरस रहा है हृदय में, है सारे जड़ इंद्रिय को स्तब्ध करके हृदय में दिव्य आनंद को जगा देता है। इसलिए कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण। यहाँ पर कह रहे हैं हम जीवन में सबके सब शांति चाहते, क्या चाहते, शांति तो चाहते ना, जीवन में शांति सुख मिले, लेकिन ये शांति कब मिलेगा, बोले भगवान के नाम से ही तुम्हें शांति मिलेगा। परम जो शांति मिलेगा ठाकुर जी की नाम से ही, हमारे हृदय जो जुड़ाना मतलब होता है हृदय जैसे भर जाए, हृदय जैसे हमारी भर जाए। कब हृदय भर जाएगी, बोले ठाकुर का नाम जप करने से। तभी तो हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम क्यों लेते हैं, शंकर जी पंचमुह में राम का नाम लेते हैं, माता पार्वती देखना माला जप कर रही है,
हैं, गणेश जी माला, सरस्वती माला, ब्रह्मा की चार हाथ में एक हाथ में माला। इसलिए क्यों ये सबके सब देवता क्यों सब भगवान के नाम जप करते हैं? भगवान के नाम से ही हृदय कभी शांति मिलेगा, हृदय में कभी सुख शांति मिलेगा, भगवान की नाम जप से ही मिलेगा। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं जीवन अनित्य जानहता है, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी जतन तुम्हें थाक अपन काज। देखो इसमें क्या कहते हैं, बोले जीवन अनित्य जानह सार, मतलब क्या, हम चिरदिन नहीं रहेंगे। कोई बता सकता है मरेंगे नहीं? कोई बोल सकता है मरेंगे नहीं? कोई बोल सकता है? सबको एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए जीवन अनित्य जानह सार, सार मतलब एक दिन हमें ये संसार छोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं रह सकते संसार। लेकिन आश्चर्य बात क्या है कि जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य बात क्या है, ये धर्मराज है ना, ये युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया, बताओ तो पृथ्वी में सबसे बड़े आश्चर्य बात क्या है? बोले अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जममिन्द्र, हम देखते हैं हमसे जो छोटे थे ना कोरोना से, वो भी चले गए, छोटे भी चले गए। लेकिन कभी हम सोचते हैं हम भी जाएंगे? कोई सोचता है हम भी जाएंगे? कोई सोचता है हम भी नहीं? अरे वो हमें छोटा तो गया गया, हम थोड़ी मरेंगे, हम नहीं बनेंगे, हम तो अजर अमर, हाँ अजर अमर बन के रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते जगत में सबसे बड़े आश्चर्य चीज है, कोई व्यक्ति सोचता है मैं कभी मरने वाला हूँ? सबसे हम तो चिर अमर बन के रहेंगे, है। इसलिए कहते जीवन अनित्य जाना सार, मतलब एक दिन ये जीवन नष्ट होगा ही। बोले ताहे नाना विध विपद भार, पर उसमें क्या है, संसार हर समय जीवन में तरह तरह का विपत्ति आती है, संसार में अलग अलग से विपत्ति आती है, क्या करो, नामाश्रय करी जतन तुम्हें थाक अपन काज, जो कुछ करते हो सब कुछ काम करो, पैसा कमाओ, घर गृह देखो, सब कुछ करो, नहीं कहते सब छोड़ो, कहते सब कुछ करो, लेकिन क्या करो, नामाश्रय करी जतन तुम्हें, भगवान का नाम को करते हुए सारे काम करो, हाथ में सेवा करो और मुंह में नाम लो, हाथ में काम और मुंह में नाम, सब कुछ काम करो लेकिन घर में झाड़ू लगाओ। कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। रसोई बनाओ बढ़िया बढ़िया, है कि तो किसके लिए बना रहे हो? बोले भगवान के लिए। पैसा कमाते हो किसके लिए? बोले ठाकुर का सेवा में लगेगा। पैसा नहीं हुआ तो भागवत कथा थोड़ी होती, पैसा कमाया तभी तो भागवत कथा हुई, है तभी तो रोज रोज भंडारा कर रहे हो, प्रसाद दे रहे हो। इसलिए स्नान करो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो। बोले क्यों? बोले शरीर गंदे शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे कर सकते हैं? शरीर अच्छा बनेगा तभी तो ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को लाड़ प्यार दो। बोले क्यों? बच्चे बड़े बन करके भगवान की भजन करेंगे, बच्चे ठाकुर ने दिया, ठाकुर ने कहा बच्चा। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले नामाश्रय करी जथाक अपना काम, सारे काम को करो, ठाकुर को सेवा मान कर करो, बस और भगवान की भजन करो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये भजन में बड़ी अच्छी अच्छी बात श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ठीक है। बोले जय राधे जय जय माधव दैते, जय राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, जय राधे जय जय माधव दैते, जय राधे जय जय माधव दैते, दामोदर राति वरदान भेते, हरि निस्फुट वृंदाविपिने से, दामोदर राति वरदान भेते, हरि निस्फुट वृंदाविपिने वृषभानु दाधि नव शशि लेखे, ललित सखी गुण
रमिता विशाखे विष्णु भानुदासि देखे कलित सखी गुण रमिता विशाखे अकरुणा कुरुमाहि करुणा भगी ते कनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरुमाहि करुणा भगी ते कनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद जय श्री श्री गुरु रंग निर्विकारीशल भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय नितलीला ब्रह्मशील भक्ति विधान नारायण गोस्वामी भवन गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय नितलीला ब्रह्मशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्त तुलसीदेव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा उपलांद राधा मदर की जय सर्वभूषभ्रता गिरिराज महाराज की जय लक्ष्मीमद भागवत कथा मृतम की पिताई गौर ब्रह्मानंद दे हरी हरी बोल की।